वाह शिवा वाह। जब तुम अपनों का मुंह मीठा करा ही रहे हो तो मुझे लगा कि शायद तुम इस अपने से भी मिलना चाहोगे। आइए। ये कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। पत्ते चढ़ के आनी तो पता नहीं अब ये किसको ले आए। आनी तो इतनी जल्दी भी क्या है? आप सब मेहमान यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। ये अनुपमा देवी है, शिवपाल की दूसरी धर्मपत्नी। शिवपाल ने इन्हें भी अपना शिकार बनाया था, इन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया और झूठा रिश्ता बनाया था, और फिर एक दिन इनकी धन दौलत सुख चैन सब लूट लिया। यही है तुम्हारे बाबा साहब उर्फ शिवपाल की असली पहचान। कहा था ना मैंने, शेर की मांद में घुस आए हो। बहुत गलत किया है तुमने। खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। ये तो बस शुरुआत है, अब सोच लो अंत क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या चाल चली है। वाह, इतनी मुश्किल से ये परिवार दोबारा साथ हुआ, इसने फिर से बर्बाद करने की ठान ली। आप ये सब खेल खेलना बंद कर दीजिए माँ साहब। अरे हमें तो समझ ही नहीं आता कि माँ साहब हमारे बाबा साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। आनी तो आप तो चली गई थी ना माँ साहब, आपको लौट कर नहीं आना चाहिए था। जानती हो तुम इससे बेहतर क्या होगा कि तुम वहीं लौट जाओ जहां से तुम इसे लेके आई हो। चलो। जो घटिया हरकत तुमने की है ना, उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। निकलो यहां से, निकलो। भाभी भाभी छोड़िए हमें। छोड़ शिवपाल, छोड़ हमारी। माँ साहब की कसम, अगर आप हमारे बाबा साहब ना होते तो ये हाथ उखाड़ के यहां से फेंक देते। अगर आप हमारे बाबा साहब नहीं होते तो माँ साहब के खिलाफ निकले हर एक मानजनक शब्द के लिए हम आपकी दुबान खींच लें। कोई नहीं आएगा आज हमारे बीच, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखा शिवपाल, शेर की मान में घुसने का हाल। एक बात याद रखना,
मेरे शरीर में अगर एक भी खरोच आई ना तो मेरा ये बेटा तुझे इतने घाव देगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और मुझे विश्वास है कि मेरा अगला सबूत तुम्हारे काली करतूतों का काला चिट्ठा खोल के रख देगा और तब इन लोगों को भी समझ में आएगा। क्या कहा था आपने हमारी माँ साहब के बारे में? गिरी हुई? अरे गिरे हुए तो आप, शर्म आती है हमें आपको अपना बाप कहते हुए। खून की दुहाइयां दे रहे हैं। इस चार दीवारी में मां साहब की परवरिश के आगे खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। नाम बदल देने से रिश्ते नहीं बदल जाते। नाम चाहे भावना हो चाहे रचना, मां साहब मेरी मां थी, मां साहब मेरी मां है और मां साहब मेरी मां रहेगी। अपने मां साहब को तो माफ कर दिया है पर आप अभी भी हमसे नाराज हैं ना? एक बात कहें परी जी, हमारी जिंदगी की हर डोर आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो हमारा क्या होगा? थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम टेरेस पे जाके सो जाएंगे। नहीं बा, आप क्यों जाएंगी? हम वहां जाके सो जाते हैं, आप यहीं रहिए आराम से। ये सूखे हुए फूलों की पंखुड़ियां आपने डेकोरेशन रहने क्यों दिया अभी तक? हिम्मत नहीं है बिखरे हुए सपने समेटने। अगर साथ मिलकर समेटे तो शायद दुख कम हो। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूं शिवपाल शर्मा। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारे हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगे हैं। खूनी हो तुम, हत्यारे हो। तुम नहीं बच पाओगे। इतनी देर रात तक कहाँ चले गए थे? वो तो हम इन्हें लेने गए थे। जानकी तुम? हम लोग कुछ अकेले में बात कर सकते हैं क्या? बोलो क्या बात। यहाँ सबके सामने कहना ठीक रहेगा क्या? जो बोलना है इनके सामने ही बोलो। आपकी माँ साहब भी उस वक्त मजबूर थी, इनसे किसी की तकलीफ किसी का दर्द देखा नहीं जाता, इसीलिए इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। किसके मरने की बात कर रहे हैं? जिन्हें इन्होंने दया मृत्यु दी थी, इनकी बहन भावना देवी। आपने मारा हमारी माँ को?